तो ये क्वेश्चन आपके मन में भी आता होगा कि हम एडसेंस पर कौन सा एड्रेस डाले, परमानेंट एड्रेस डाले जो हमारे आधार कार्ड या फिर हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा हुआ हो, या फिर हम रेंट पर रह रहे हैं वो एड्रेस डाले, या फिर कई बार हम रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे होते हैं, हम हॉस्टल में रह रहे होते हैं, हम वो एड्रेस डाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि एडसेंस के अंदर हम एड्रेस क्यों डालते हैं। एडसेंस के अंदर हम एड्रेस इसलिए डालते हैं ताकि वो हमें एक पिन भेजते हैं और उस पिन के जरिए हम अपने आप को एडसेंस के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, आपके आधार कार्ड पर कौन सा एड्रेस है या पैन कार्ड पर कौन सा एड्रेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रेंट पर रह रहे हो आप वो एड्रेस भी डाल सकते हो, बस आपको मेक श्योर करना है कि आपका कुरियर इजीली पहुंच जाए उस एड्रेस के ऊपर और आप इजीली पिन वेरीफाई कर पाओ। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई रिमोट प्लेस पर रह रहे हो जहां पर डाट या कुरियर पहुंच नहीं पाता या फिर वहां कुरियर की फैसिलिटी नहीं होती है, तो इन दैट केस आप अपने फ्रेंड का एड्रेस दे सकते हो, अपने कोई रिलेटिव का एड्रेस दे सकते हो जहां पर कुरियर इजीली पहुंचा जा सके और वहां से आप अपने पिन को कलेक्ट करके अपने एडसेंस को वेरीफाई करा सकते हो। मेक श्योर करें कि अगर आप एडसेंस पर अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो तो एडसेंस के पिन भेजने के पहले ही वो एड्रेस चेंज कर ले, नहीं तो आपका पिन पुराने एड्रेस पर चले जाएगा और जब आप सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट करोगे पिन के लिए तब जाकर वो नए एड्रेस पर आएगा। अब इस बात को ध्यान से सुने, अगर आपको पहली बार कुरियर नहीं मिलता है, सेकेंड टाइम भी आपको पिन नहीं मिलती है और थर्ड टाइम भी कुरियर आप तक पहुंच नहीं पाता है, तो इन दैट केस आपको एक और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जिससे आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो। वो है कि आपको अपनी आईडी अपलोड करनी होगी। आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो और उस पर जो एड्रेस लिखा है और एडसेंस में आपने जो एड्रेस मेंशन किया है वो मेक श्योर करें कि दोनों सेम हो और तब जाकर आपका एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से आपका एडसेंस तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन कई बार एडसेंस इनवैलिड क्लिक्स के वजह से डिसेबल हो जाता है। तो इनवैलिड क्लिक्स को इन डिटेल में समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो।